पट में फैला हुआ है। ये राजस्थान है। अब इस राजस्थान के अंदर आप देखेंगे कि इधर एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। ये राजस्थान का उत्तरी बिंदु, ये राजस्थान का दक्षिणी बिंदु, राजस्थान का पश्चिमी बिंदु, राजस्थान का पूर्वी बिंदु। हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान किस देश को छूता है, इसकी सीमा किन किन राज्यों को इसकी सीमाएं छूती है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसका नाम है रेड क्लिफ, इसका नाम है रेड क्लिफ। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय ये रेखा खींची गई है रेड क्लिफ महोदय के द्वारा, इसीलिए इस रेखा का नाम रेड क्लिफ लिख दिया। याद रहे ये राजस्थान है, ये पाकिस्तान है। इसका मतलब पाकिस्तान और राजस्थान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका नाम है रेड क्लिफ, जो 1070 किलोमीटर की है। इसकी कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। याद रहे ये राजस्थान के 4 जिलों को टच करती है। कितने जिलों को टच करती है? 4 जिलों को टच करती है। सबसे ऊपर श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये 4 जिले हैं जो पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर अवस्थित है। आपको ध्यान रखना है, मैं इनके आगे इनकी दूरियां लिख देता हूं। श्री गंगानगर सीमा बनाता है 210 किलोमीटर, बीकानेर सीमा बनाता है 168 किलोमीटर, जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर और बाड़मेर बनाता है 228 किलोमीटर। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान से सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा जिला बनाता है? जैसलमेर बनाता है। पाकिस्तान से या अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम कौन सा जिला बनाता है? तो याद रखना है बीकानेर बनाता है ना? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित ये 4 जिले हैं, इन 4 जिलों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर एक प्रश्न और बन जाता है, बढ़िया प्रश्न है, ध्यान में रखना है। ये सीमावर्ती जिले हैं 4, इन 4 जिलों में 1993 94 के अंदर सीमावर्ती क्षत्रिय विकास कार्यक्रम चलाया गया था। सीमावर्ती क्षत्रिय विकास कार्यक्रम 1, 2, 3, 4, इन 4 जिलों में चलाया गया है जो कि पाकिस्तान से सीमा बना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। ये बात हो गई। अब यहां पर ध्यान रखना है जहां से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू होती है उस स्थान का नाम है हिंदू मल कोट। हिंदू मल कोट जो श्री गंगानगर में है यहां से शुरू होती है और यहां पर
बाड़मेर की सहागढ़ तहसील में गांव आता है भल गांव। गांव का नाम है बल गांव बाड़मेर के अंदर। यहां पर आकर के ये खत्म हो जाती है अंतरराष्ट्रीय सीमा, जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। हिंदू मल कोट श्रीगंगानगर से शुरू होती है और बाड़मेर जिले के सहागढ़ तहसील के बल गांव के अंदर, कई किताबों में इसका नाम बाखासर भी लिखा हुआ है, बल गांव के अंदर आकर के खत्म हो जाती है ना। अब ये तो अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में हो गया, जो राजस्थान के चार जिले बनाते हैं। अब यहां पर ये ध्यान रखना है, इस पाकिस्तान के है ना, या अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चार जिले हैं, नंबर लगा देता हूं 1, 2, 3, 4। ये ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सवाल ये बनता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लिख देता हूं मैं, यहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, तो याद रहे इसका राइट आंसर होगा श्री गंगानगर। अंतरराष्ट्रीय सीमा जो ये रेड क्लिफ है, इसके सबसे नजदीक जिला मुख्यालय जो बना हुआ है, बिल्कुल नजदीक, वो ये बना हुआ है गंगानगर का। फिर सवाल आता है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय, तो वो बीकानेर उत्तर हो जाएगा उसका, बीकानेर। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इससे बीकानेर का जिला मुख्यालय सोच लीजिए यहां पर है, तो ये जो दूरी है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो याद रहे सबसे नजदीक, इसके बिल्कुल नजदीक तो श्रीगंगानगर का है, और सबसे दूर जिला मुख्यालय जो है वो बीकानेर का है। अब कई बार सवाल यूं पूछ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हटा दिया, से लिख दिया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, तो याद रहे उत्तर बदल जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा श्रीगंगानगर के बजाय जालौर। सबसे नजदीक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, सीमा पर नहीं कहा है, सीमा से कहा है, तो ये ध्यान रखना है जालौर सबसे नजदीक हो जाएगा। और अगर ये सवाल भी अगर इसको मैं चेंज करूं, सीमा से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा हो जाएगा, तो याद रहे यहां पर उत्तर बदल करके क्या हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा, है ना। तो ये प्रश्नों को भी थोड़ा ध्यान में रखना है, इस प्रकार के प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं राज्य कौन कौन से हैं, तो यहां पर पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, इनको नोट कर लेना आप लोग, हटा रहा हूं मैं इनको। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे नजदीक जिला मुख्यालय जालौर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय धौलपुर। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ये हो गया उत्तरपुर उत्तर प्रदेश, यहां पर हो जाएगा मध्य प्रदेश, और यहां हो जाएगा गुजरात। अब 1, 2, 3, 4, 5 पांच राज्य राजस्थान की अंतर राज्य सीमा बनाते हैं, अंतर राज्य सीमा पांच राज्य बनाते हैं। कितने राज्य बनाते हैं? पांच राज्य। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक देश बनाता है, पाकिस्तान। अब यहां ध्यान रखना है, पंजाब से राजस्थान 89 किलोमीटर लगा हुआ है,
या पंजाब और राजस्थान के बीच जो दूरी है, वो जो लाइन है ये अंतर्राज्यीय सीमा की, इसकी लंबाई है 90 किलोमीटर। अब अपन बात करते हैं कि हरियाणा। अब देखो इस तरीके से पूरे सीक्वेंस से इन चीज़ों को ध्यान में रखना है ताकि आपको पूरा सीक्वेंस बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो हरियाणा जो है वो है 1262 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश, तो ये बनाता है 877 किलोमीटर की। फिर बात करते हैं एमपी की, तो ये बनाता है 1600 किलोमीटर की। और फिर बात करते हैं गुजरात की, तो 1022। ये सब लंबाई किलोमीटर में है, किलोमीटर में है, किलोमीटर किलोमीटर। अब इन राज्यों की अंतर्राज्यीय सीमाओं को देखते हुए एक बात तो एकदम क्लियर हो जाती है कि सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश बनाता है राजस्थान के साथ। अंतर्राज्यीय सीमा सबसे ज्यादा कौन सा राज्य बनाता है? मध्य प्रदेश। सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? पंजाब, 89 किलोमीटर। पंजाब 89 किलोमीटर बनाता है, हरियाणा 1262 बनाता है, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर बनाता है, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर बनाता है और गुजरात 1022 किलोमीटर बनाता है। जब इन सबको मैं जोड़ूं अंतर्राज्यीय सीमा, तो ये हो जाएगी 4850 किलोमीटर। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। ये तो हो गई राज्यों से, और ये हो जाएगी पाकिस्तान से। तो इनका जो टोटल हो जाता है आप देख लीजिए, यहां पर 5920 किलोमीटर। यानी अगर मैं यूं कहूं कि राजस्थान राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, अब मैं यहां पर लिख देता हूं राजस्थान की स्थलीय सीमा, ये लिख लिया होगा आपने। अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्य बनाते हैं, राज्यों से कुल जो सीमा लगती है 4850, पाकिस्तान से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ है वो 1070 किलोमीटर। टोटल हो जाता है इसका 5920 किलोमीटर। अब आप देखिएगा इन चीजों को आप यहां पर समझेंगे तो आप देखेंगे, यहां पर एमपी लिख देता हूं मैं, यहां पर यूपी लिख देता हूं, 877, 1600 किलोमीटर। अब आप देखेंगे प्रश्न आता है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा या यूं कहूं परिमाप, तो याद रखना है 5920 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा या परिमाप 5920 किलोमीटर। सवाल आता है राजस्थान की अंतर राज्य सीमा 4850। फिर सवाल आता है राजस्थान की अंतर राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर। अंतर राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है राजस्थान की। तीनों प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल तो याद रखना है तीन लाख 42,239 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है ना। आप इसे इस तरीके से याद रखिएगा, 34 बाई 39 वर्ग किलोमीटर, 34
बाई 39 है ना, महिलाओं के नाम होते हैं चौथी बाई, चौथी बाई, चौथी बाई कितना साल रहा है, 39 साल रहा है, चौथी बाई 39 साल रहा है। और चौथी बाई 39 साल रहा कदी हुए हैं, 1 नवंबर 1956 से चौथी बाई 39 साल रहा है ना, इस तरीके से याद रखना। 34, 22, 39 राजस्थान का क्षेत्रफल है। राजस्थान का ये क्षेत्रफल, अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें, भारत का टोटल अगर क्षेत्रफल उसकी अगर मैं बात करूं, तो उसका 10.41% है भारत का, भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। या मैं इसे यूं भी कह सकता हूं कि 1/10 भाग है, ठीक है, भारत के क्षेत्रफल का 1/10 भाग है। याद रहे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, नंबर वन राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का नंबर वन। लेकिन अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो राजस्थान का नंबर लगता है 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में, भारत में राजस्थान का नंबर लगता है 7वां। माने 6 ऐसे राज्य हैं जो राजस्थान से भी जनसंख्या में ज्यादा है, जनसंख्या में इसका 7वां स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है राजस्थान के बारे में। अब मैं आपको कुछ चीजें और बता रहा हूं, आप यहां पर समझ पाएंगे अच्छे से। ये जिला है बाड़मेर, ये जिला है बांसवाड़ा, यहां पर जिला है धौलपुर, यहां पर जिला है हनुमानगढ़, है ना, आराम से समझिएगा। ये जिला बाड़मेर, अब देखिए बाड़मेर जिले को कि पाकिस्तान से भी लगता है, रेड क्लिफ से लगा हुआ है, पाकिस्तान से भी लगता है, गुजरात से भी लगता है। गुजरात एक राज्य है, पाकिस्तान एक देश है। इसका मतलब हुआ बाड़मेर ऐसा जिला है जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाता है, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाता है। ऐसे के ऐसे ही यहां पर श्रीगंगानगर, इधर पंजाब है इधर पाकिस्तान है, तो श्रीगंगानगर भी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है। मन राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं, दो जिले कौन से, एक तो श्री गंगानगर और दूसरा बाड़मेर। ये दोनों जिले अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमाएं बनाते हैं, दो जिले। अब मैं आगे बात करता हूं, यहां पर आप देखिए बांसवाड़ा गुजरात के साथ भी बना रहा है, एमपी के साथ भी बना रहा है। बांसवाड़ा दो जिलों के साथ सीमाएं बना रहा है, दो राज्यों के साथ सीमाएं बना रहा है, गुजरात के साथ भी, मध्य प्रदेश के साथ भी। यहां पर देखिए धौलपुर को एमपी है, एमपी के साथ भी बना रहा है, यूपी के साथ भी बना रहा है। कौन सा जिला, धौलपुर। ये ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान का वह जिला जहां पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की समन्वित संस्कृति पाई जाती है, तो उसका राइट आंसर था धौलपुर, क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के टच, दोनों के टच में तो एक ही जिला है और वो है धौलपुर। ऐसा ही प्रश्न हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ के बारे में भी देखेंगे आप कि हनुमानगढ़ के अंदर, यहां पर आप देखिए थोड़ा ध्यान से, तो हनुमानगढ़ के अंदर आप देखेंगे कि इधर तो है पंजाब और इधर है हरियाणा, हरियाणा और पंजाब दो राज्यों की बीच में है, तो हनुमानगढ़ भी दो राज्यों के बीच में है। यहां पर आप देखेंगे हरियाणा और इसके बीच, इसके बीच में एक जिला आया हुआ है जिसका नाम है भरतपुर। तो भरतपुर ऐसा जिला है जो हरियाणा के टच में भी है और उत्तर प्रदेश के टच में भी है, ये ध्यान रखने वाली बात है, इन सब के टच में आ जाता है। तो ये तमाम चीजें आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। आगे बात करता हूं मैं कि ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान के दक्षिण से,
यहां से राजस्थान के दक्षिण से 23.5 डिग्री, ऐसे लिखा जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट, इसको कहते हैं 23.5 डिग्री, ठीक है। उत्तरी अक्षांश से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान के दक्षिण में, जिला तो हो जाएगा बांसवाड़ा, कंप्लीटली बांसवाड़ा के बीचों बीच कुशलगढ़ तहसील है, वहां से गुजरती है कर्क रेखा। याद रहे इसके जस्ट ऊपर जो जिला है टच होता है उस जिले का नाम है डूंगरपुर। डूंगरपुर को दक्षिण से छूते हुए निकलती है कर्क रेखा और बांसवाड़ा के बीच से निकलती है। तो राजस्थान के कितने जिलों को टच हो गए? दो, एक तो डूंगरपुर जिला और एक बांसवाड़ा जिला। बांसवाड़ा के तो बीच में से निकलती है और डूंगरपुर को दक्षिण से छूते हुए निकलती है कर्क रेखा, और कुशलगढ़ तहसील से निकलती है बांसवाड़ा के। और इसकी जो टोटल अगर मैं लंबाई की बात करूं तो राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई मानी गई है 26 किलोमीटर। कुल लंबाई 26 किलोमीटर है राजस्थान के अंदर। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान, जो ये राजस्थान का मानचित्र बना हुआ आपके सामने, इस राजस्थान में आप देखेंगे कि आठ जिले ऐसे हैं जो किसी भी ना तो देश को सीमा बनाते हैं और ना ही राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, जिसको हम यूं कहेंगे अंतर्वृत्तीय जिले। अंतर्वृत्तीय जिले हम कह सकते हैं जो ना तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ऐसे जिले कितने हैं? आठ जिले हैं। वो आठ जिले कौन कौन से हैं? उनके नाम इस प्रकार से हैं, आप देख लीजिएगा, बढ़िया शानदार ट्रिक है, उसको ध्यान में रखना है। एक आदमी है जिसका नाम है जोराराम, तो क्या कहा गया उसको? जो रा अ बू तो पा दो ना, है ना, जोराराम को कहा गया है जोरा अबूटो पादोना, जोरा अबूटो पादोना। तो ये जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, राजसमंद, अजमेर, बूंदी, टोंक, पाली, दौसा, नागौर। जोधपुर, राजसमंद, अजमेर, बूंदी, टोंक, पाली, दौसा, नागौर, ये आठ जिले ऐसे हैं न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान में एक जिला है, यहां पर ऐसी आकृति है, जिसका नाम है पाली। पाली जिला आठ जिलों से सीमा बनाता है। पाली जिला आठ जिलों से सीमा बनाता है, जो सर्वाधिक है राजस्थान में, सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला पाली। उसका भी शानदार ट्रिक है, अच्छे से याद रख लीजिएगा आप इस ट्रिक को भी, जो रा उ सी बाढ़ आ जाना। जोरा राम की प्रेमिका ने जोरा राम को बुलाया है, जोरा उसी बाढ़ आ जाना। जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, बाड़मेर, अजमेर, जालोर, नागौर, ये आठ जिले पाली से टच होते हैं, पाली से सीमा बनाते हैं। जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, बाड़मेर, अजमेर, जालोर, नागौर, ये आठ जिले पाली जिला के चारों तरफ हैं, उसके सीमा बनाते हैं। अब आप देखेंगे कि इनके पीछे उद्देश्य क्या है, मैं क्यों लिखवा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो आप पाएंगे कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय
प्लस अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं तो उनकी संख्या हो जाएगी 25। 25 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं। 8 जिले ऐसे हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं। 25 और 8 टोटल कितने जिले हो जाएंगे? 33। राजस्थान में जिलों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 33। ये तो हो गई बात इनकी। अब अगर मैं बात करूं कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो 1, 2, 3, 4 अंतर राष्ट्रीय सीमा 4 जिले बनाते हैं। लेकिन अगर बात यूं आ जाए कि राजस्थान के ऐसे जिले जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, केवल शब्द जुड़ जाए, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो फिर दो ही जिले होंगे, एक तो जैसलमेर और दूसरा बीकानेर। बाड़मेर भी नहीं होगा, श्रीगंगानगर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाड़मेर सीमा बनाता है गुजरात से, जो अंतर्राज्यीय सीमा है, और श्रीगंगानगर सीमा बनाता है पंजाब से, जो अंतर्राज्यीय सीमा है। तो वो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। मैंने यहाँ पर लिखवाया, देखो कि ऐसे जिले कितने हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, तो 2 जिले, 1 और 2, श्रीगंगानगर और बाड़मेर। लेकिन अगर बात आ जाए केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो 2 जिले होंगे, नंबर 1 बीकानेर, नंबर 2 जैसलमेर। अब सवाल आता है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो याद रखिएगा, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या हो जाएगी 23। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, है ना। और अगर शब्द यूज उड़ जाए कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, तो 2 कम हो जाएंगे, एक तो श्रीगंगानगर कम हो जाएगा, एक बाड़मेर कम हो जाएगा, तो फिर इसका उत्तर बदल करके कितने जिले हो जाएंगे? 21 जिले। 21 जिले ही ऐसे हैं जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अगर सीधा सवाल आ जाए कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं, तब तो 23 बताना है। लेकिन अगर यूं आए कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, तब आपको उत्तर 21 बताना है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान का हमने एक परिचय लिया है, जो कहने का मतलब राजस्थान से जुड़े इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें तरजीह दी है, जगह दी है। राजस्थान के अंदर एक सवाल ऐसा भी आता है कि राजस्थान का जो ये क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो याद रहे, सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। जैसलमेर बड़ा जिला, ठीक है। इसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। याद रहे, राजस्थान के अगर कुल क्षेत्रफल की मैं बात करूं, तो उसका ये 11.44% है। अगर राजस्थान को मैं 100% मान लूं, तो इस 100 का 11.44% अकेला कौन है? जैसलमेर। सबसे बड़ा जिला है, ध्यान रखिएगा। और राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर। सबसे छोटा जिला है धौलपुर, कितना है? 3,034 वर्ग किलोमीटर, है ना। इस तरीके से याद रखना है, 3,034 वर्ग किलोमीटर है धौलपुर। याद रखिएगा, धौलपुर सबसे छोटा और जैसलमेर सबसे बड़ा। जैसलमेर जो है वो धौलपुर से, जैसलमेर की बात कर रहा हूं, जैसलमेर धौलपुर से कितना बड़ा है? 12.66 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 12.66 गुना बड़ा है धौलपुर से जैसलमेर। याद रखिएगा, जैसलमेर बड़ा है 12.66 गुना धौलपुर से, और धौलपुर छोटा कितना है? 12.66 गुना छोटा है। तो ये भी बढ़िया प्रश्न था, इसको इस तरीके से भी याद रखना है।
तो राजस्थान से संबंधित लगभग हमने सभी बड़े प्रश्नों को इसमें लिया है। अब एक चीज और अंत में मैं आपको और बता देता हूं कि राजस्थान पर सवाल आता है कि राजस्थान किस देश के समकक्ष है, देश के समान है, तो राजस्थान जर्मनी के समान है। आकार के अंदर राजस्थान जर्मनी के समान है। राजस्थान ब्रिटेन से डेढ़ गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? ब्रिटेन से डेढ़ गुना बड़ा है, ब्रिटेन से डेढ़ गुना बड़ा है। और अगर मैं बात करूं नेपाल देश से, नेपाल देश से, तो नेपाल देश से लगभग ढाई गुना बड़ा है, नेपाल देश से ढाई गुना बड़ा है। अगर मैं बात करूं श्रीलंका से, श्रीलंका से तो लगभग पांच गुना बड़ा है। राजस्थान श्रीलंका से पांच गुना बड़ा है। और अगर मैं बात करूं इसराइल से, इसराइल से तो इसराइल से लगभग 17 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। ऑल ओवर राजस्थान में अगर मैं बात करूं पूरे विश्व के देशों की, तो 128 देशों से बड़ा क्षेत्रफल है राजस्थान का। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बताई है। आप इन तमाम प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा इसी तरीके से और बढ़िया तरीके से लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।